नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। बच्चा होने की दवाई देती महिला को पकड़ा। एक महिला का दावा था कि महिला लड़का होने की दवाई दे रही है, जिसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। उसे पकड़ने के लिए महिला को फर्जी ग्राहक बना करके महिला के पास घर दवाई लेने के लिए भेजा गया। उसे टीम द्वारा 200 रुपये दिए गए और फर्जीवाड़ा करने वाली महिला ने एक पुड़िया बीजों की व 30 पुड़िया सफ़ेद पाउडर की और एक तावीज़ गले में डालने के लिए दिया। पलपल कैथल से नवीन मल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट। आपको बता दें कि कैथल के कस्बे पोंडरी शहर में एक महिला को लड़का होने की दवाई देते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सिविल सर्जन कैथल को गुप्त सूचना मिली थी कि पोंडरी में एक महिला सुमन काल्पनिक नाम लड़का होने की दवाई बेच रही है, जिसके बाद सिविल सर्जन कम जिला समुचित अधिकारी द्वारा महिला को रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक टीम बनाई गई, जिसमें नोडल अधिकारी डॉक्टर गौरव पुनिया व PNBT कैथल, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी पुंडरी डॉक्टर विकास भटनागर, जिला कार्यक्रम प्रबंधक नरेश कुमार ने कैथल में एक महिला को फर्जी ग्राहक बना करके घर पर दवाई लेने के लिए भेजा। टीम ने उस महिला को 200 रुपये दिए। योजना के अनुसार महिला ने दवाई लेने के लिए और दवाई लेने वाली महिला के घर जाकर बताया कि उसके पास पहले से 2 लड़कियां हैं, जिसके कारण वो बहुत परेशान है। वह चाहती है कि उसे लड़का हो। उसके बदले में सुमन ने 200 रुपये दवाई देने की एवज में मांगे। महिला ने सिविल सर्जन की टीम द्वारा दिए गए 2 नोट सुमन को थमा दिए। सुमन ने पुड़िया के बीजों की 30 पुड़ियाँ सफ़ेद पाउडर की और एक ताबीज़ गले में डालने के लिए दिया। बस फिर क्या था, इशारा पाते ही टीम सदस्य मौके पर पहुंचे और अपना परिचय देते हुए महिला को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आरोपी महिला को पुंडरी थाना पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस इस समय महिला के खिलाफ आगामी कार्रवाई करते हुए पूरे मामले की जांच कर रही है। अब देखें पर्पल की विशेष रिपोर्ट। गौरव पुनिया, क्या क्या मामला है सर आपको? इसमें है ना, सिविल सर्जन सर को एक गुप्त सूचना मिली थी, जिसमें है ना एक महिला पुंडरी के अंदर बच्चा लड़का होने की दवाई दे रही थी। उसकी अनुपालना में एक टीम बनाई गई, जिसमें डॉक्टर भटनागर और नरेंद्र, ये हम तीनों ने मिलके रेड की पुलिस विभाग के साथ मिलकर उसमें उसको 200 रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसके खिलाफ हमने अब FIR दर्ज करवा दी। तो क्या दवाई क्या दे रहे थे उसमें? 7 पुड़िया एक थी जिसमें 20 थे, जिनको सुबह सुबह लेना था, और 30 पुड़िया 30 दिन तक लेनी थी, एक ताबीज दिया। तो कैसे गुप्त सूचना मिली आपको? ये गुप्त सूचना होती है, ये डिस्क्लोज नहीं की जाती। तो क्या मामला दर्ज किया गया इसमें? इसमें PNDT के तहत मामला दर्ज किया गया। टीम आई थी सिविल हॉस्पिटल कैथल से, डॉक्टर गौरव पुनिया PNDT एक्ट के स्पेशल नोडल ऑफिसर है, अभी टीम के साथ यहाँ हाई गेट कंट्री पर मतलब इन्होंने दबिश दी और पुलिस से सहायता मांगी। तो वहाँ एक संतोष नाम की लेडीज जो कि लगते होने की दवाई मतलब देती है, उसको वहाँ पकड़ा है और उसको लेकर यहाँ आए हैं। हाँ, उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, PNDT एक्ट का पर्चा दर्ज किया है, पुलिस कार्रवाई कर रही है।